भैया फोन किए थे। सम्मान गार्ड चल चल के पास नक्सली मुठभेड़ में हमारे तीन जवान शहीद हुए और 15 जवान घायल हुए। तो सबसे पहले तो तीनों जवान के शहादत को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देने भी आए हैं। और जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, नक्सलवाद के साथ लड़ाई मजबूत हुई है और इसका बौखलाहट नक्सलियों में है। और कल की घटना में भी वहाँ पर टेकुलगुड़ा में कल ही सुरक्षा शिविर, सुरक्षा कैंप शुरू हुआ था और अचानक हमारे जवानों के ऊपर में अटैक हुआ। लेकिन लगातार ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। कल हम लोग रायपुर में अस्पताल भी गए, बालाजी अस्पताल और नारायणा अस्पताल, हमारे जवानों से मिले जो घायल हुए हैं, और बहुत मजबूती के साथ, साहस के साथ उन्होंने मुकाबला किया। उनके हौसले बुलंद हैं और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। और हम लोग हमारी सरकार सुरक्षा कैंप स्थापित करके ऐसे क्षेत्रों में सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सुख सुविधा है, उसको पहुंचाना चाहते हैं। उनके बसाहट तक रोड बने, उनके पक्का के मकान बने, उनके घरों में बिजली पहुंचे, राशन पहुंचे, ये सब हम लोग चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है। लेकिन शायद नक्सली लोगों को ये सब मतलब अच्छा नहीं लगता है और इसलिए ये कैंप का विरोध करते हैं। लेकिन हमारे जवानों के हौसले बुलंद हैं, लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। सर, मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत बड़ी। सर
सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। अभी कुछ दिन पहले माननीय गृह मंत्री जी हमारे देश के आए हुए थे और सब विषयों पर चर्चा हुई है। जो भी बुनियादी जरूरतें हैं सब पूरा करेंगे, सबको पहुंचाएंगे। 3 साल के अंदर अंदर नक्सलवाद बस्तर से खत्म होगा, गृह मंत्री ऐसी कोई तैयारी? जी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। शर्मा जी आपने कहा था कि हमारे 3 जवान शहीद हुए और 15 जवान घायल हुए। सबसे पहले तो तीनों जवान के शहादत को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देने आए। और जब से डबल इंजन की सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नक्सलवाद के साथ लड़ाई मजबूत हुई और इसका बौखलाहट नक्सलियों में है। और कल की घटना में भी वहाँ पर टेकुलगुड़ा में कल ही सुरक्षा शिविर, सुरक्षा कैंप शुरू हुआ था और अचानक हमारे जवानों के ऊपर में अटैक हुआ। लेकिन लगातार ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। कल हम लोग रायपुर में अस्पताल भी गए, बालाजी अस्पताल और नारायणा अस्पताल, हमारे जवानों से मिले जो घायल हुए और बहुत मजबूती के साथ, साहस के साथ उन्होंने मुकाबला किया। उनके हौसले बुलंद हैं और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। और हम लोग हमारी सरकार सुरक्षा कैंप स्थापित करके
ऐसे क्षेत्रों में सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सुख सुविधा है, उसको पहुंचाना चाहते हैं। उनके बसाहट तक रोड बने, उनके पक्का के मकान बने, उनके घरों में बिजली पहुंचे, राशन पहुंचे, ये सब हम लोग चाहते हैं। हमारे जिला में आज जिला सुकमा एवं बीजापुर के सीमावर्ती टेकलगुड़म इलाका में नवीन कैंप स्थापित किए जा रहे थे। कैंप स्थापना के लिए हमारा आउटर कॉर्डन में सुरक्षा बल तैनात थे। इस दौरान माओवादी का पैटल नंबर 1 MCRC यानी फॉर्मेशन का माओवादी द्वारा जो हमारा आउटर कॉर्डन में जो लगा हुआ कोबरा और STF DRG CRPF के बल के साथ उनकी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में हमारे जवान द्वारा काफ़ी मुंहतोड़ जवाब दिए गए थे। उसमें संभवतः माओवादी को कम से कम 6 कैडर मारा जाने का हमारे पास अभी विजुअल्स प्राप्त हुई है। साथ साथ इस घटना के दौरान हमारा जो 3 जवान हैं उनमें से 2 कोबरा 201 बैटलियन का और एक CRPF 150 वाहिनी का 3 जवानों का शहादत हुई है। उन्होंने काफ़ी बहादुरी से इस मुठभेड़ में लड़ाई लड़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश 3 घायल हुआ और घायल के पश्चात उन्होंने स्पॉट में उनका शहादत भी हो गए थे। अन्य जो 14 हमारा जवान है जिन्हें स्प्लिंटर इंजरी और मामूली चोट आए थे, उन्हें तत्काल अभी हेलीकॉप्टर के माध्यम से इवैक्यूएट करके जयपुर मेडिकल कॉलेज एवं रायपुर में 2 अन्य हॉस्पिटल में उनका इलाज की जा रही है। सभी जवान अभी खतरा से बाहर हैं, उनका इलाज अभी लगातार जारी, उनका कंडीशन स्टेबल बताया जा रहा है। और पैटल नंबर 1 का होने का पूरा जानकारी है, उसमें कैडर कौन कौन है वो अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, लेकिन उस इलाका जो PLG पैटल नंबर 1 का और CRC और अन्य जो PLG फॉर्मेशन का मजबूत क्षेत्र है, जैसा मैं पूर्व में भी बताए थे 2021 में भी तब उन इलाके में हम ऑपरेशन में गए थे, उस दौरान भी हमारा काफ़ी बड़ी लड़ाई हुआ, उसमें 23 अमर जवान का शहादत भी हुआ। लेकिन इस बार हम नियमित रूप से परमानेंटली रहने के लिए गए और पीछे नहीं हटे, उधर रहेगा और आगे लड़ाई को लड़ेगा। बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित इलाका में नक्सलवादी अभियान तथा क्षेत्र में विकास कार्य को गति प्रदान करने के उद्देश्य से विगत दिनों में लगातार नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए थे। उसी सिलसिला में आज जिला सुकमा एवं बीजापुर के सीमावर्ती टेकलगुड़ा में भी एक नवीन सुरक्षा कैंप स्थापना किए गए थे। उस कैंप के लिए DRG STF कोबरा CRPF सभी संयुक्त बल रवाना किए गए थे। कैंप स्थापना के पश्चात आउटर कॉर्डन में हमारा सुरक्षा बल द्वारा पेट्रोलिंग और गश्त की जा रही थी। इस दौरान माओवादी द्वारा उन जवानों के ऊपर हमला किए गए थे। उस दौरान हमारा सुरक्षा बल की कोबरा CRPF STF DRG सभी जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस दौरान माओवादियों के कम से कम 6 कैडर की मृत्यु होने की जानकारी प्राप्त हो रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश इस मुठभेड़ में हमारा 3 जवान जिनमें से 2 कोबरा के जवान और 1 CRPF के जवान का शहादत हो गए थे। अन्य 15 लोग घायल भी हुआ। सभी घायलों के इलाज के लिए जिला बस्तर के जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल या रायपुर में भी भर्ती किए गए थे। सभी घायलों की स्थिति अभी खतरे से बाहर है, उनके इलाज जारी है। आसपास क्षेत्र में अभी लगातार सर्चिंग अभियान जारी है। 2021 में तब टेकलगुड़ा में अभियान के लिए सुरक्षा बल गए थे, उस दौरान माओवादी द्वारा हमारा भारी क्षति पहुँचाए गए थे, उसमें हमारा 23 जवान का शहादत हुआ। इसके बावजूद
आज हम एक मजबूत इरादे से उस इलाके में गए थे। ये कैंप स्थायी रूप से रहेगा और क्षेत्र की जनता की रक्षा के लिए कैंप स्थापित किए गए थे। मोदी की इस घटना के बावजूद हमारे सभी जवानों का मनोबल मजबूत है और हम स्थायी रूप से उस रहेगा और आने वाले समय में और मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेगा और मोदी का जो खासतौर पर PLG पटलम्बर उनको मुँह तोड़ जवाब देकर इलाके में उनका दबदबा का खत्म करने के लिए हमारा लगातार प्रयास रहेगा। जगरगुंडा थाना क्षेत्र के टेकलगुड़ेम में नक्सलियों के द्वारा किए गए हमले में 3 जवानों की शहादत बेहद दुखद है। कांग्रेस पार्टी इन जवानों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती है तथा इन जवानों के परिजनों के प्रति अपनी एकजुटता प्रदर्शित करती है और हमारी सरकार से मांग है कि सरकार अपनी नक्सलवादी नीति स्पष्ट करे। सरकार के द्वारा दिखाए जा रहे अनिर्णय के कारण जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है नक्सली गतिविधियां बढ़ी हैं। गृहमंत्री जी बचकाना बयान देते हैं, कभी बोलते हैं कि नक्सलियों के घर में घुस के मारा जाएगा, कभी बोलते हैं कि नक्सलियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की जाएगी। तो इस प्रकार की अनिर्णय की स्थिति के कारण प्रदेश में हालात बिगड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता है। जबरदस्ती का जाम है, देखो ना पत्रकार है। नहीं नहीं।